जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए एक प्रस्ताव लाया गया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी JKPC यानी जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस और AIP आवामी इत्तेहाद पार्टी, इनके विधायकों ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर विधानसभा में एक नया प्रस्ताव पेश किया। उनका कहना है कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को हटाना असंवैधानिक और एक तरफा था। इन नेताओं ने नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा पहले से पारित प्रस्ताव को अस्पष्ट और अधूरा बताया और अनुच्छेद 370 को बिना किसी बदलाव के बहाल करने की मांग की। हमें बात करने का मौका नहीं दिया गया, इसके अलावा हमारे पास क्या बचता था? अगर भाजपा के लोग टेबलों के ऊपर खड़े होके और वो स्पीकर साहब या सेक्रेटरी साहब की कुर्सी तक को हाईजैक करेंगे तो क्या हमें एक सिंपल बैनर शो करने का हक नहीं है? ऐसे हमले, अगर वो हजार हमले भी करेंगे, हम लोगों ने जिस चीज के लिए हमें असेंबली भेजा है, हम वो बातें करेंगे, चाहे वो सियासी बातें हों या डेवलपमेंटल तामीर तरक्की की बातें हों, हम बात करेंगे। PDP नेता वाहिद पारा, JKPC अध्यक्ष सज्जाद लोन, PDP विधायक फयाज मीर और AIP के विधायक शेख खुर्शीद ने एक संयुक्त बयान में कहा, ये सदन अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को हटाने का कड़ा विरोध करता है, साथ ही जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को भी खारिज करता है, जिसने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा और राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया। ये कश्मीर के लोगों को संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। इस प्रस्ताव पर बहस के दौरान बीजेपी नेताओं ने इसे लेकर विधानसभा में जोरदार हंगामा किया। पूर्व सांसद बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने भी इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा, प्रस्ताव का विरोध किया। इंडिया अलायंस ने कल पारित किया, उसके अंतर्गत वो जम्मू कश्मीर में भारत के संविधान के खिलाफ एक नई जंग लड़ते हुए दिखाई देते हैं। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आदिवासी समाज को जो अधिकार मिले, क्या कांग्रेस और इंडिया अलायंस आदिवासी समाज के उन अधिकारों के खिलाफ खड़े रहेंगे? एक चुनी हुई सरकार विकास के मुद्दों पर काम करने की बजाय, भारत को जोड़ने की बजाय भारत को तोड़ने का प्रमाण दे रही है। अब आवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने विधानसभा में एक बैनर लहराया था, जिसमें अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग की गई थी। इस पर विपक्षी नेता भी जोरदार प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष को कार्यवाही रोकनी पड़ी। जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए PDP, JKPC और AIP के विधायकों ने इस प्रस्ताव को पेश किया, जिसमें उन्होंने इसे हटाने को असंवैधानिक बताकर केंद्र से इसे दोबारा बहाल करने की मांग की। जो हम लोग हैं जो हिंदुस्तान को मजबूत करना चाहते हैं, ये हम लोग हैं जो भारत माता को मजबूत करना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो ना भारत माता के, ना देश के, ना किसी और के, ये सिर्फ अपने आप के। तो बंबर शर्मा कहाँ से हो गया? चौधरी में कॉन्फ्रंटेशन पे ही शुरुआत हुई है, तो क्या ये आगे भी देखने को मिलेगा? कोई कॉन्फ्रंटेशन नहीं है, हमने लोगों के हित की बात किया है मेरे भाई, हमने अपने बात नहीं की, अपने व्यापार की बात नहीं की, अपने हक की बात नहीं, हमने बेरोजगार बच्चों के रोजगार की बात की है, हमने हॉस्पिटलों का बात की है, हमने एजुकेशन सिस्टम पे बात की है, हमने टूरिज्म पे बात की है, हमने इंडस्ट्री पे बात की है। ये जो आपके सामने PHE डिपार्टमेंट जो बता रहा है, हम मसलों पे बात कर रहे हैं, ये सिर्फ अपनी कुर्सी चलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन लोग इनको जवाब देंगे, लोग देख रहे हैं। ये आप जब देखते हैं तो आप भी बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इनके बीजेपी के पेज पे देखो जाके लोग क्या बोल रहे हैं। इसलिए लोग चाहते हैं जो नेशन काम बोल रही है, जो मेरे लीडर